दिक्कत काहे हो रहा है? जब मुगल आया था तोड़ा जा रहा था हिंदू मंदिर, हिंदू का गला कटा जा रहा था, तब क्या दिक्कत था उनको? जब मुगल भारत आया था हिंदू मंदिर तोड़ा था, सोमनाथ पे हमला करते थे, राम मंदिर को तोड़ा, ज्ञान व्यापी बना, शाही ईदगाह मस्जिद बना, उस टाइम को दिक्कत नहीं हो रहा था, आज क्यों हो रहा है? अब ज्ञान व्यापी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? जहाँ ज्ञान का वासना है, ज्ञान व्यापी मतलब ज्ञान से व्याप्त है वो चीज़, वह मस्जिद का ऐसा नाम हो ही नहीं सकता, ये तो हिंदू मंदिर का ही नाम होगा। और अब फैसला आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। मस्जिद में पूजा करने के लिए कहा या नहीं कहा इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, इस पर हमको इसी तरह कोई बात हमको कहना मेरे लिए उचित नहीं है। हम हिंदू नहीं है, पूछिए जरा, कोई चौपाई पूछना है आपको, कोई गीता का श्लोक पूछना है, पूछिए जरा हमसे, हम हिंदू नहीं है। गणेश जी का मूर्ति का प्रमाण एकदम मिलना चाहिए, हम कहते हैं मिलना चाहिए, जिनका जो घर है उनका वापसी हो रहा है तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मदरसा को, मदरसा वाले को जो सैलरी मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? क्या को पंडित को सैलरी मिल रहा है जरा बताइए तो हमको, हिंदू मंदिर में जा करके मदरसा के वो जो क्या कहते हैं कब्रिस्तान घेरने के लिए दीवार बन रहा है वो किसके पैसा से बन रहा है? मस्जिद में 20 गो पंखा बन रहा है वो किसके पैसा से बन रहा है? किसके पैसा से? 14 के बाद ही नियम पारित हुआ है। ओवैसी कौन है? ओवैसी कौन है? वो हिंदू से ज्यादा मुसलमान जानता है। ओवैसी कौन है? वो हिंदू भाई से ज्यादा मुसलमान जानता है। क्या कहेंगे ज्ञान बापी को जो रिपोर्ट आई है, कोर्ट ने पूजा करने का आदेश दिया? कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, और इससे आगे मेरे पास कोई इस पर कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए या इस पर कोई इस तरह का बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट सर्वप्रथम है और जो कोर्ट फैसला कर दिया उसको सबको मानना है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति की लगता है शुरुआत हो रही है क्या? नहीं 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 नहीं, मानसिकता सबको मत घीजिए, सब लोगों को मत घसीटिए, कुछ लोगों के वजह से लोग सबको समसा कर रहे हैं, सबकी मानसिकता नहीं ऐसी है। कोर्ट को मानने वाला आज भी लोग अभी दुनिया में कायम है, बहुत लोग हैं, कुछ लोगों की वजह से कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मस्जिद में पूजा करने का आदेश दिया गया, इससे आपको आपत्ति है या फिर सहमति जता रहे हैं? देखिए तहखाने में क्या होता है आपके मस्जिद? तहखाने में क्या होता नहीं होता है इस तरह की बात की हमको कोई जानकारी नहीं है, ना इस पर हम कोई टिप्पणी देना चाहेंगे। कोर्ट ने ये दिया है, देखिए आप इसको आप मुद्दा मत बनाइए। मस्जिद में पूजा करने के लिए कहा या नहीं कहा इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, इस पर हमको इसी तरह कोई बात हमको कहना मेरे लिए उचित नहीं है। कोर्ट ने तो दिया है, देखिए न्यूज़ पढ़ लीजिए, अगर आप देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको सीधे तौर पर कि अब कोर्ट ने पूजा करने का आदेश दिया, प्रशासन को 7 दिन व्यवस्था करने का भी आदेश दिया गया कि 7 दिन विधि व्यवस्था के साथ जो वहाँ पे तहखाना है वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से पूजा करने का आदेश दिया गया। आपको इससे सहमति है कोर्ट के आदेश से? कोर्ट अगर फैसला दिया है तो कोर्ट उसको अच्छी तरीके से फिर अभी उसकी हो सकता है कि इस प्रक्रिया को 7 दिन का जो समय दिया गया उसमें और कुछ तहकीकात या कोई वेरिफिकेशन करने का और उसमें कुछ मोहलत मिले। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अकबर और बाबर ने बहुत सारा मंदिरों को तोड़वाया, उसमें ये भी एक मंदिर था। देखिए ये सब अंड बंड बात जो लोग बोल रहे हैं ये सब बेकार वाली बात है, ये सब बात पर हम किसी तरह का बोलना भी हम अपने आप को सही नहीं समझते हैं। जेठ खान है, उन्होंने एक फोटो चूंटी को मारा, फिर अगर नहीं बोलना है तो नहीं बोलिए, आप जबरदस्त गलत ढंग की बात बोला कीजिए। आज आदमी जो कि सबसे पहले सबसे पहले कोई अगर मुसलमान अपने बच्चा का नाम रखता है मोहम्मद मूसा या मोहम्मद यूसुफ, तो यूसुफ का मतलब क्या है, मोहब्बत क्या है, उसका निवारण करें। नाम रख लेते हैं शिव चरण और खाते हैं मीट मछली, कहते हैं हिंदू, खड़े खड़े मुँहते हैं, अंडा मछली खाते हैं, सनातन में बोलता है कि सबकर वर्जित है कि नहीं है, सारा उल्टा काम करते हैं यार, श्री राम के काम का, हाँ काम कर वो क्रिश्चन वाला, अब कौन हिंदू है, सनातन हो या तुरक, तो सबके लिए है ना, स्पेशली हिंदू मुस्लिम दोनों सब मदरसा जुमा को करता है ना, ये जुमा को करता है ना, अरे तो आस्ते आस्ते ना पीरी होगा। तो पहला बार हम सुने हैं कि क्रिश्चियन का छुट्टी है संडे के दिन, आप बताइए कब छुट्टी ये निर्धारित किया गया था संडे के दिन? आपका सब है ना? नहीं नहीं, आप बताइए क्रिश्चियन का छुट्टी कब ये निर्धारित किया गया था? फॉर्मेलिटी साहब है चाचा, आप इसका स्पेशल तेजी से तक नहीं, हम नहीं नहीं हम गुस्सा में इसलिए कि सवाल तो अरे नली भी दिखेगा लेकिन अरे सवाल ये है। अच्छा चलिए, आपको नहीं बोला मत बोलिए भाई साहब, एक सुनिए
कोर्ट का जो फैसला आता है उसका सम्मान सब करता है, आप नहीं करते, हम नहीं करते हैं। अभी कल का वीडियो देखे हैं एक राम मंदिर में 100 से ऊपर मुसलमान लोग, मुसलमान भाई लोग गए हैं ये करने के लिए, क्या कहते हैं, पूजा पाठ करें, दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए ही कहिए। तो कोर्ट का फैसला सब मानता है कि नहीं मानता है, लड़ाने वाला काम करता है मीडिया। आप खुश हैं, आप दुखी हैं? अच्छा हम दुखी हैं तो हम दुख, अच्छा हम बताइए हम दुखी हैं? नहीं पूछेगा वो, वैसे कहेगा कि मेरा दिल में बाबरी मस्जिद जिंदा है। हम दुखी हैं, कोर्ट का फैसला क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के? हाँ आप बताइए, अभी हम कहेंगे कि नहीं हमको नहीं चाहिए ज्ञान व्यापी, तो क्या कोर्ट का फैसला ज्ञान व्यापी के पक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा, आप ही बताइए। कोर्ट का फैसला, कोर्ट का फैसला ज्ञान व्यापी के तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हम कहते हैं नहीं चाहिए ज्ञान व्यापी। तो हम चाहते हैं कि अभी मथुरा वाला जो आने वाला है केस, उस पर भी आएगा, साईदगाह मस्जिद है मथुरा में, उस पर भी आएगा। तो मुस्लिम चाहेगा नहीं आए, हिंदू चाहेगा आए, तो कोर्ट का फैसला जो आएगा वो सब मानेगा कि नहीं मानेगा? 500 साल के बाद राम मंदिर बना कि नहीं बना? कितना विरोध हुआ था? अभी एगो मूवी आया हुआ है 695, ठीक है, उसमें राम मंदिर का पूरा डिटेल्स दिखाया हुआ है। वो मूवी अभी ये क्या कहते हैं, ये जो सेंसर बोर्ड होता है ना, उसमें पास होने के बावजूद उसको लागू होने नहीं, मतलब चलाने नहीं दिया प्रिंट पे। तो एक पक्ष से तो विरोध हो रहा है, एक पक्ष से विरोध हो रहा है ना, लेकिन सेंसर बोर्ड वाला आखिर वहाँ से समझा तभी तो वो नहीं किया कि ठीक है दंगा भड़केगा तो उसके वजह से नहीं मूवी को चलने दिया। नहीं तो 695 देखिए उसमें कुछ गलत नहीं दिखाया गया है, शुरू से लेकर संघर्ष 1854 से लेकर के 2024 तक का। 93 में जो बंद था तहखाना, अब उसमें अनुमति मिली है, तो आपको खुशी है या नाराजगी है, पूछना क्या फर्ज है? क्या मीडिया पे गुस्सा नहीं, मीडिया पे गुस्सा इसीलिए हो रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि आप खुशी हैं, आप दुखी हैं, तो इससे खफा इससे है जिसका पूछेंगे हम पूछेंगे, पूछेगा ना जानेगा कैसे आदमी हम क्या क्या हमारा कहने का। केस का इतना बड़ा मुद्दा है यार, पूरा हिंदू इंतजार कर रहा है कि ज्ञान व्यापी भी हमारा है, उसमें सर्वे में निकला है कि हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। पूछिए जरा कोई चौपाई पूछना है आपको, कोई गीता का श्लोक पूछना है, पूछिए जरा हमसे, हम हिंदू नहीं है। गणेश जी का मूर्ति का प्रमाण एकदम मिलना चाहिए, हम कहते हैं मिलना चाहिए, जिनका जो घर है उनका वापसी हो रहा है तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घर वापसी तो सबका हो रहा है, खुशी वाली बात है। रोजगार पे बात होनी चाहिए, जब आप कहते हैं कि रोजगार के लिए, रोजगार के लिए कहते हैं ना, सब कहते हैं अस्पताल पे बात होनी चाहिए, अभी बोलते हैं कि मंदिर जाना अस्पताल जाना, भाई बिहार के अस्पताल का स्थिति देखिए आप क्या है, राजनीतिक मुद्दा को जबरदस्ती ला रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे। अभी आप कहिएगा हिंदू मुस्लिम के राजनीतिक मुद्दा जबरदस्ती ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं कि जिस तरह से अभी जिस तरह से चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है, कहते हैं कि आप अभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आया हुआ है 2014 के बाद से, अभी से आया हुआ है, राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी का बयान है, आप ही बताइएगा। मनमोहन सिंह जब कहे थे कि देश के सबसे पहले कानून अधिकार जो है माइनॉरिटी का है, वो कब बोले थे? मदरसा को, मदरसा वाले को जो सैलरी मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? क्या वो पंडित को सैलरी मिल रहा है जरा बताइए तो हमको, हिंदू मंदिर में जा करके मदरसा के वो जो क्या कहते हैं कब्रिस्तान घेरने के लिए दीवार बन रहा है वो किसके पैसा से बन रहा है? मस्जिद में 20 गो पंखा बन रहा है वो किसके पैसा से बन रहा है? किसके पैसा से? 14 के बाद ही नियम पारित हुआ है, आप लोग ये सब चीज़ नहीं दिखाते हैं, वही कह रहे हैं ये सब चीज़ नहीं दिखाइएगा। एक मंदिर का फैसला आएगा तो एक पक्ष नुकसान हो जाएगा। अरे भाई मेरे, आपका घर है, हमारा घर है, सबका अपना अपना घर है। अगर कल लोग कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं भाई साहब, ओवैसी का बयान नहीं सुनते हैं क्या? तो ओवैसी कौन है? ओवैसी कौन है? वो हिंदू से ज्यादा मुसलमान जानता है। ओवैसी कौन है? वो हिंदू भाई से ज्यादा मुसलमान जानता है, इसलिए ओवैसी का बात लाइए ही नहीं। टीम है बीजेपी का भी टीम है, वो हिंदू मियां करवाने में एक नंबर है, ठीक है। आपका क्या नाम है? क्या क्या बोले, क्या क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र हुआ। कहाँ पे बताइए, कौन कौन विधानसभा में, कौन विधानसभा में हमसे पूछिए, कौन विधानसभा में पूछ बताते हैं। अब कहाँ गया तो वो कहाँ गए? अभी आरजेडी में गए, आरजेडी। आप आरजेडी किए ज्वाइन? आप बताइए चाचा जी, चलिए चाचा जी हाइपर हो गए थे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी को लेकर जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया, एएसआई का रिपोर्ट काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लोग, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या खुशी है या नाराजगी है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि बाबर के शासनकाल में अकबर के बड़े बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा करके मस्जिद बनाया गया, अब धीरे धीरे से कहीं ना कहीं कोर्ट फैसला सुना रही है, राम मंदिर का भी पता था, अभी ज्ञान व्यापी पे आया है, पूजा करने का लिख दिया गया। नहीं नहीं सही है, बहुत खुशी वाली बात है, राम मंदिर बनना भी चाहिए। राम मंदिर नहीं, ज्ञान व्यापी में पूजा करने के लिए दिया गया मस्जिद में।
आदेश दिया गया कि यहाँ मंदिर था पहले, कि वो तो कोर्ट का फैसला मानना ही होगा। मस्जिद बोलना बंद कर दीजिए, अब आप उसको मस्जिद बोलना बंद कर दीजिए। जब बोलेंगे आप ही कहेंगे कि गोदी मीडिया हो, फिर वही बात। जब उन पे फैसला आ रहा है कि वहाँ पूजा पाठ होना चाहिए, तो फिर आप उनको मस्जिद बोलना बंद कर दीजिए ना। बोलिए कि विवादित जो स्थल था, जो कभी मुसलमान के पक्ष में था, आज हिंदू पक्ष में आया है, तो वो वहाँ पूजा अर्चना पे ये कर दिया। अब ज्ञान व्यापी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? जहाँ ज्ञान का वासना है, ज्ञान व्यापी मतलब ज्ञान से व्याप्त है वो चीज़, वह मस्जिद का ऐसा नाम हो ही नहीं सकता है। ये तो हिंदू मंदिर का ही नाम होगा, और फैसला आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई नहीं। सब सम्मान करता है, सब सम्मान करता है इस बात का, और आसानी से दे देगा। ओवैसी लगता है, ओवैसी का है ज्ञान व्यापी। मुसलमान भाई वहाँ नमाज पढ़ते थे, ओवैसी नमाज पढ़ता था, झूठे बताइए, सच सच बताइए, आप कौन पढ़ता था नमाज वहाँ? नवाज वहाँ कौन पढ़ते थे? ओवैसी का बयान सुने हैं हाल फिलहाल में। कौन करेगा? मोदी जी करेंगे कि वहाँ के ज्ञान व्यापी में जो काशी के लोग हैं वो पूजा पाठ करेंगे? मोदी जी तो उद्घाटन के टाइम आएंगे, यही ना? तो लेकिन किए, बहुत अच्छी बात है। आज दिक्कत काहे हो रहा है? जब मुगल आया था तोड़ा जा रहा था हिंदू मंदिर, हिंदू का गला काटा जा रहा था, तब क्या दिक्कत था उनको? जब मुगल भारत आया था, हिंदू मंदिर तोड़ा था, सोमनाथ पे हमला करते थे, राम मंदिर को तोड़ा, ज्ञान व्यापी बना, शाही ईदगाह मस्जिद बना, उस टाइम कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, आज क्यों हो रहा है? आपको भी आप मानते हैं इस चीज़ को, अकबर के शासन में मंदिरों को तोड़ा गया? बिल्कुल मानते क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक का सारा रिपोर्ट है, मानते एकदम मानते हैं। कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानता है? हम तो मानते हैं, हम कहते हैं कि अभी अयोध्या राम मंदिर के जगह पर अगर मस्जिद का फैसला आता तो हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, या फिर अभी मुस्लिम लोग नहीं माना है, आप ही बताइए। ज्ञान व्यापी भी आएगा तो धीरे धीरे, देखिए प्रोसेस है। अभी प्रयागराज का नाम जो है बदला, सब चीज़ का, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ, अभी आप क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, एक अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ है, तो नाम भी बदल बिल्कुल चाहिए। अभी बोले ना, सही बात बोले कि रविवार का छुट्टी क्या मंगलवार और शनिवार को हो सकता है? बिल्कुल निर्धारित है। अररिया जाइए जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो खतंज कस रहे थे, खान चाचा थे, खान चाचा थे फिर भी सही बात बोल रहे थे, उनका सुने, खान चाचा थे फिर भी सही बात बोल रहे थे कि पावर है तो मंगलवार और शनिवार को छुट्टी करवा के दिखाइए, पता चल जाएगा। तो सही बात नहीं, धमकी था क्या? धमकी था? इनको धमकी नहीं कहते हैं, धमकी नहीं कहते हैं, चैलेंज कहते हैं, और मोदी जी सारे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आपको नहीं लग रहा है क्या? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। शुक्रिया।